अरे यार कैसे बंदे हो तो भाई साहब, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप लोग फुल मस्ती मजे कर रहे होंगे। तो इसके लिए आज तारीख 8, और इसके लिए मैं अभी साउथ दिल्ली में हूँ। मेरा अभी चूल्हा आने वाला है, इसके लिए मैं उसी के लिए जा रहा हूँ लेने उसको, और लेके फिर साउथ दिल्ली से इस दिल्ली की तरफ रवाना होऊंगा। बहुत सारी कहानी आपको बताना बाकी है, तो बताएंगे इसके लिए इसी वीडियो में सारी कहानियाँ बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। जिस दिन की आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन वो घड़ी आ चुकी है और पूरा मज़ा आएगा। इसके लिए इस खुशखबरी को सुन के देख के आप फूदने समाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा इंजॉय करना वीडियो को। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। वहां जाके टिक्का कर देना चूल्हा क्या? क्या अंतिम? अब ये कड़ेगा कैसे होगा? खुल के घी दीजिए पीछे से, बस घी दीजिए पीछे से। पैकेजिंग खराब नहीं करना चाह रहा ना। बस हो गया, यहाँ से पहला कमाई का पहला चीज नहीं हुआ। हाँ हो गए। बीच से क्वालिटी भी अच्छा है। अब इसको खोलो मत, ले जाने। खोदी ना पैक कर दे, पैक कर दे। खोदी ना, हाँ खोदी ना, खोल निकालो। नहीं खोली पूरा लिया था ना, तो जरा शरीर दाग नहीं लगता। नहीं लगता है, एक पोछने वाला खरीद लीजिएगा, वो जो बोलता है सॉफ्ट वाला जो, हाँ उससे ये, हाँ उससे है ना, इसमें स्क्रेच नहीं लगेगा एकदम साफ। नहीं तुम उसी के साथ रहेगा तो ऐसा करेगा, 2000 में तुम सरल लेता। अब देखो लग रहा है ना? नहीं ये ठीक है, 2000 उसका लेता। और ये देखो टिक्का मारना और हमको याद करना। लो अच्छा, बहुत सुंदर है। फिर से करे, नहीं तुम उसी के साथ रहेगा तो ऐसा करेगा। लो बहुत सुंदर है। तो भाई, तो फाइनली मैं इस जगह पहुंच चुका अपने रूम पे मौसी के यहाँ से। और इसलिए जस्ट आया हूँ, और जो सामान थे वो इसलिए मैंने अपने रूम में रखा है। और सामान रखने के बाद अभी मैं जा रहा है सिलेंडर देखने, सिलेंडर मिलता है तो इसके सिलेंडर लेने का ले लूँगा। बेसिकली मेरा प्लान है कि आज मैं घर पर ही खाना बनाऊँ, सब कुछ करूँ, मेरा आज प्लान है। इसके लिए देखते हैं कि ये प्लान सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो जा रहा हूँ मैं सिलेंडर देखने, उसके सिलेंडर देखने के लेने, अगर एजेंसी खुली हुई हो और वो बेसिकली वो दे दें तो सही है। बेसिकली क्योंकि लेट हो चुका है, अभी 5 बज चुका है, 5:15 हो चुका है, तो इसलिए वो दे कि ना दे मुझे पता नहीं। मैं यार ट्राई कर रहा, अगर मिल गया तो आज लेके आज मैं घर में ही खाना बनाऊँगा पहली बार। इसीलिए मैंने चावल तो बनाया है लेकिन पूरा प्रॉपर खाना कभी नहीं बनाया है, इसलिए आज भी नहीं बनाऊँगा पूरा प्रॉपर खाना, मुझे आता ही नहीं है। लेकिन ट्राई करूँगा कि खाना मैं घर में बनाऊँ और घर खाना खाऊँ। तो जाता हूँ, देखता हूँ मुझे सिलेंडर मिल पाता है या नहीं। अगर इस रहस्य को जानने के लिए पूरा वीडियो को देखें। तो बेसिकली एजेंसी के पास आ चुके हैं, एजेंसी में आया तो बेसिकली बोल रहे हैं कि लेट हो गया, 5:15 हो चुका है, इनका काम 5 बजे तक नहीं होता है, तो लेट हो चुका। बोले कि आधार कार्ड फ़ोटो भेज दो, कल 1-2 बजे आना साइन करके और लेके जाना।
देखे क्या होता है कल। मैंने इसको यहाँ रखा है बेसिकली, अभी किचन में सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्या चिपकाई है भाई साहब, इसको उखा रहे हो कोई, मस्त लग रहा है लेकिन बहुत बेहतर लग रहा है। ये मेरी मौसी का कमाल है, अदरवाइज मैं तो वही लोहा वाला लेता, मेरी मौसी का सजेशन था, बहुत बेहतर है भाई साहब। लुक तो इसका तगड़ा दिया है, मस्त है, देखने में लगता है कि कुछ 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 अच्छा चीज़ मैंने परचेज करा है, समझ लो। परचेज डेबिट और क्रेडिट करते करते ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मस्त चीज़ है भाई साहब। आज तो गैस मिला नहीं, तो कल जाएंगे, कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है मेरा, तो जाएंगे कल, उस इम्पोर्टेंट डे को इन्जॉय करेंगे और फिर जाएंगे 1-2 बजे, तो सिलेंडर का पता करेंगे, सिलेंडर का उसकी ऑलमोस्ट पता किया ही हुआ है, उसको पेमेंट करना है और देखिए वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है और वहाँ से लेके घर की तरफ रवाना हो जाना है। तो लास्टली बहुत दिनों के बाद मॉनिटर, लैपटॉप, कैमरा, ये सब अपनी जगह पे सेट हुआ है, बहुत दिनों के बाद, बेसिकली 15-20 दिन के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा घर बिखरा पड़ा है, अभी सिर्फ किचन में भी थोड़ा अस्त व्यस्त है, सबको सही करेंगे। समय आ गया है कि अब सब कुछ वेल प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, इसके लिए मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, अपनी मौसी के यहाँ था, सब ऐसे ही भी खेल के चला गया था। सबको सही करेंगे, अभी किचन मैंने सही किया है, सबको साफ करा है, सब कुछ साफ करेंगे, सही से सब कुछ रखेंगे, अभी तो कहानी शुरू ही है। Thank you.
तो भाई साहब गैस मुझे यहाँ पे 4100 कुछ रुपया का भरा और 2600 रुपये का चूल्हा प्रेस्टीज का ये वाला चूल्हा मुझे पड़ा। पता नहीं इसका असली प्राइस क्या है, शायद 2900 रुपया पड़ता है। मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इस चूल्हा का प्राइस देखा था 2000 के अप्रॉक्स, और मैं उस दिन नहीं खरीदा भाई, मिस्टेक मैं छोड़ दिया, कहा कि भाई अगले दिन ले लूँगा। और बेसिकली उस दिन ऑफर चल रहा था तो मुझे 2600 रुपये पेमेंट करने पड़े, अदरवाइज मुझे 2000 में ही ये चूल्हा हो जाता। गलती से मिस्टेक हो गई भाई साहब। तो यही कुछ वीडियो था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और फुल लाइफ को इंजॉय करना। क्या